शीन से कोई गाली नहीं आ रही ना तो ऑर्गेनिक अरे भाई जैन भाई कैसे हो करीब रहते हो क्या हाँ जल्दी आ गया यार चलो तो मेरे भाई आ, हम लोगों ने यार रिकॉल करते हैं थोड़ा सुकून भी है आज की क्लास में मुझे लगता है कि आज जो है ना बच्चे ऑनलाइन आने को ज्यादा तरजीह देंगे क्योंकि तो आज मोबीन जाने की क्लास नहीं थी मेरे ख्याल है ना तो अलकेन अलकेन अलके, करते हैं अच्छा बच्चे पढ़ो

तो कंबस्टन एंड सब्सटीट्यूशन दो प्रॉपर्टीज थी सब्सटीट्यूशन के अंदर हमने उसकी क्लोरिनेशन की थी सर जी कन्वर्टर शनवर्टर कुछ है नहीं वो बंदा पड़ा हुआ है सारा दो मिनट में, हाँ, में फटाफट जरा कर ला तो सब्सटीट्यूशन और कम्बस्टन ये हमने एल्कीन में पढ़ा था उसके बाद आप हाँ आ गए थे केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन पर एल्कीन में प्रिपरेशन के दो नहीं बल्कि कितने तरीके थे तीन जिनमें से दो तरीके वही थे जो एल्केन्स में थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड क्रैकिंग दो तरीके वही थे और उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी थी तीन कौन कौन सी कंबस एडिशन एंड पॉलीमिराइजेशन कंबस्टन एडिशन ये लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी कंबस एडिशन एंड पॉलीमिराइजेशन कंबस्टन में वही कहानी थी कि कंप्लीट कंबस होगी या इनकंप्लीट कंबस्टन होगी उस पर मैटर करेगा कंप्लीट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इनकंप्लीट होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है उसके बाद एडिशन रिएक्शंस का पैटर्न क्या था कि डबल बॉन्ड ने टूटना होता है और डबल बॉन्ड ने टूट कर एटम्स को क्या कर लेना होता है एड कर लेना होता है और उसी से कंबशन का प्रोसेस सॉरी एडिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ये हमने आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू बात समझा दी थी लास्ट क्लास में बैठ जाओ बेटा तो जल्दी से ये तो मुझे इलेक्ट्रिशियन की दुकान लगने लगी है इतने तार लगा <laughs> लगनी इलेक्ट्रिशियन की दुकान में बैठे आ जाओ भाई लेट लेट आ रहे हो आज नहीं रहा भाई सिग्नल अच्छा ये निकल गया अब आगे चले तो बेटा फिजिकल वाले बच्चों के लिए भी डिस्प्ले ऑन हो चुका हुआ है तो बात कर रहे थे एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज की तो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों हानि क्या पड़ा था एडिशन तो एडिशन का पैटर्न क्या था कि डबल बॉन्ड टूटता है और उसकी जगह सिंगल बॉन्ड आ जाता है और यही आपकी स्क्रीन पर आपकी जो प्रैक्टिस की थी आपने आपको नजर आ रही है कि डबल बॉन्ड को तोड़कर किस तरह से एडिशन होती है और उसके बाद हमने फिर पॉलीमराइजेशन पढ़ी थी जिसमें इथिन के बहुत ज्यादा यूनिट्स को जोड़े तो पॉलीथीन बन जाता है यानी कि पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से बहुत सारे यूनिट्स कंबाइन होकर एक बड़ा यूनिट फॉर्म कर लेते हैं इसे हम पॉलीमराइजेशन कहते थे फिर मैंने तुम्हें यही चीज रिपीट की थी कमर्शियल इंपॉर्टेंस की हेडिंग में और हमने वहां पर बात की थी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला जो रिएक्शन है उसके थ्रू हम मार्जरीन बनाते हैं वेजिटेबल ऑयल से मार्जरीन सिंथेसिस पर बात हुई थी कि वेजिटेबल ऑयल जो कि पॉली अनसेटेड अल्किन होती है उसको जब हम हाइड्रोजन उसमें ऐड कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम कैटलिस्ट तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं मार्जरीन में उसके बाद जो आप ब्लू बैंड खाते हैं फिर हमने दूसरी कमर्शियल इंपॉर्टेंस की बात क्या की थी हाइड्रेशन के में जो हम स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं उसमें अल्कोहल बनती है और वो अल्कोहल हमें कमर्शियली जो है वो बनाने के अल्कोहल को कमर्शियली बनाने में इस्तेमाल होती है उसके बाद एक आखिरी बात की थी हमने डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की कि एल्केन और एल्कीन को अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो ब्रोमीन के थ्रू हम इसको टेस्ट कर सकते हैं ये सारी बातें करने के बाद हम लोगों ने अल्कीन एल्न की डिस्कशन को बच्चों फिनिश कर लिया था और उसके बाद हमने स्टार्ट की थी डिस्कशन एल्कोहल पर केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल की केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने आपको वैसे तो आप पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके थे लेकिन हमने एल्कोहल की केमिस्ट्री में आपको फिर से इंट्रोड्यूस किया कि भाई एल्कोहल्स क्या होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन चेन के साथ राजा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन चेन के साथ क्या आ रहा हो ओ एच आ रहा हो उन्हें हम क्या कहते हैं एल्कोहल्स कहते थे और यही आपने लिखा था दो ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल्स और जनाबे क्या ये सैचुरेटेड होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड तो हमने लिखा था सैचुरेटेड होते हैं जनरल फॉर्मुला क्या था इनका सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच यानी जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल प्लस वन और ओ OH एच होगा ये आपने फॉर्मुला लिखे थे नाम कैसे देंगे आपने लिखा था कि दे आर नेम्ड एज ओल, तो आखिर में इनके साथ ओल आता है और ओल से हम ओल के सफिक से पहचानते हैं कि ये अल्कोहल की बात हो रही है जैसे कि मिथेनोल इथेनोल प्रोपेनोल ब्यूटेनोल ब्ला।, ब्ला, ब्ला। उसके बाद हम उस पैटर्न पर आ गए थे जिस पैटर्न में हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं और वहां मैंने तुम्हें बताया था कि अल्कोहल को प्रिपेयर करने के दो तरीके और दो तरीकों में से पहला तरीका तो वही था जो आप इथिन में ऑलरेडी पढ़ चुके थे जो आप देख रहे हैं कि इथिन में क्या किया हमने स्टीम ऐड किया है और एडिशन रिएक्शन हो रहा है एक जगह पर जाकर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा दूसरी जगह पर जाकर हो जाएगा और उसके नतीजे में आप देख रहे हो कि अल्कोहल फॉर्म हुआ है तो बता रहा था डायरेक्ट कनेक्शन तो है आप उसको रिकॉल अगर नहीं कर रहे तो कनेक्ट करना मुश्किल है और जो लास्ट चीज हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी फर्मेंटेशन जो मैंने तुम्हें बताया था कि घर घर के अंदर कैसे कर सकते हैं अल्कोहल बनाया कैसे जा सकता है घर के अंदर तो ये एक रेसिपी की फॉर्म में तुम लोगों को बताया था मैंने और कहा था कि रिएक्शन की फॉर्म में एक सिंगल स्टेप का रिएक्शन है यहां पर लास्ट क्लास एंड हुई थी दो तरीके थे और एल्कोहल की बेटा दो केमिकल प्रॉपर्टीज है आपको पढ़नी देखो एलकेन में दो प्रेपरेशन दोन में तीन प्रेपरेशन तीन केमिकल प्रॉपर्टीज और एल्कोहल में दो प्रेपरेशन कौन सी दो प्रेपरेशन पढ़ी है? हमने फर्मेंटेशन वाली और हाइड्रेशन के थ्रू और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कितनी है बोलो बेटा दो तो हम आज का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल सही है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल अब बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज कम्बस्शन और जो दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इट इज ऑक्सीडेशन तो कंबशन तो आपने ऑलरेडी पढ़ी है पचास दफा आ चुकी है कंबशन कंबशन का मतलब क्या होता है जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप भी पढ़ चुके हो किसी भी हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप जलाते हो तो क्या होता है कार्बन किसमें चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन किसमें चेंज हो जाता है वॉटर में तो कंबशन अगर हम पहली प्रॉपर्टी को समझे तो वो तो वही है ना जो रिपीट हो रही है बार बार क्या पैटर्न है ज्यादा बात समझ में आ रहा कि भाई अगर मैं ले लेता हूं सी एच थ्री सी एच टू ओ एच दो कार्बन का एल्कोहल दो कार्बन का एल्कोहल क्या कहलाएगा दो कार्बन को कहते हैं इथ और अल्केनोल तो क्या नाम बनेगा इथेनोल तो इथेनोल को अगर मैं कंबस्ट करूं यानी कि बर्न करूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होगा कार्बन विल चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विल चेंज टू वॉटर इफ कंबशन इज कंप्लीट इफ कंबशन इज Complete. This will happen only if combustion is complete. लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है है बच्चों? उमर रेहान कि कि अगर combustion incomplete हो, हमें कैसे पता चलता होगी? ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है yes no? Restricted supply होती है। भाई ऑनलाइन वालों जवाब दे दो उमर yes yes sir. Yes sir. अब उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है मायरा वागले अगर लिमिटेड सप्लाई हो तो, तो तो या कार्बन मुणु तो विल विल कार्बन 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 कन्वर्ट टू मोनोक्साइड स्टिल टू वॉटर स्टार्ट की थी ना लास्ट क्लास में फर्मेंटेशन पे खत्म किया था दो प्रेपरेशन के मेथड अब आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे हैं मैंने कहा अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी दो ही हैं पहली कंबशन है जो आपको ऑलरेडी आती है अब आ जाओ दूसरी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं लेकिन इनशाला आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी दूसरी प्रॉपर्टी जो असल में हमने सीखनी है अल्कोहल में जो नई है इससे पहले ऑक्सीडेशन पढ़ी है कहीं एल्केन में कोई कहीं पर ऑक्सीडेशन आई थी एल्केन में कोई रिएक्शन आया था क्या ऑक्सीडेशन नाम का नहीं एल्कीन में कोई रिएक्शन आया था ऑक्सीडेशन नाम का नहीं अल्कोहल में आ रहा है तो एक यूनिक रिएक्शन है इसका मतलब है दिमाग के लिए कंफ्यूजन नहीं होगी बल्कि दिमाग आसानी से पहुंच जाएगा कि ऑक्सीडेशन कहां पड़ी थी एल्कोहल में तो बेटा आइए अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल और यहां पर बेटा इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैं आपको पहले वर्ड इक्वेजन समझाता हूं देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड करना ऑक्सीजन ऐड कर लेना कर देना ऑक्सीडेशन कहलाती है अब वर्ड इक्वेजन क्या है कि बेटा जब हम किसी भी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं किसी भी एल्कोहल को क्या करते हैं बच्चों ऑक्सीडाइज करते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू अ न्यू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वी कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब भी हम किसी अल्कोहल को क्या करते हैं ऑक्सीड देखो लिंक करके चलो एल्केन पढ़ रहे थे फिर एल्केन पढ़ रहे थे उसमें अल्कोहल इंट्रोड्यूस हो गया था फिर अल्कोहल पढ़ रहे हो तो उसमें आगे कार्बोक्सिलिक एसिड एक नई ग्रुप एक, एक नई क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंट्रोड्यूस हो रही है क्या कहा मैंने कि अल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीडाइज करने का मतलब है उसमें क्या करते हैं ऑक्सीजन एड बर्न नहीं बर्न नहीं ऑक्सीजन एड कैसे करते हैं वी नीड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर दैट एक हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए होगा जो कि ऑक्सीजन रिलीज करे जैसे कि यहां मैंने लिखा के टू सी आर टू ओ सेवन पोटेशम डायक्रोमेड दी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कंडीशन में याद रखना पड़ेगा दिस कंपाउंड कैन रिलीज वॉट ऑक्सीजन एंड वेन इट रिलीज ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीजन कहां जाके एड हो जाएगी एल्कोहल में और एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगी बोलो बेटा समथिंग कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड तो पहले वर्ड इक्वेशन को दिमाग में बिठाइए क्या है सोमामा कि अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कीन से अल्कोहल तक आए थे अल्कोहल से अब कहा जा रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड तक अब कैसे है जरा कहानी देखो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है मैं कहता हूं एक अल्कोहल है सी लिसन केयरफुली लुक केयरफुली बहुत आसान है जारा नदीम मायरा वागले आपने कहा के टू बेटा करना क्या है मैं बार बार कहता हूं पैटर्न याद करना है आपने रिएक्शन का जगह दो बेटा रिएक्शन का रट्टा नहीं लगाना बल्कि पैटर्न याद करना याद करें जब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा रहे थे तो क्या बताया था कि डिहाइड्रेशन करते हुए ओएच OH एच कहा से निकालना है और एच कहां से निकालना है तो पैटर्न अगर याद होगा तो रिएक्शन में मसला नहीं होगा एडिशन का आपने पैटर्न सीखा ना कि भाई डबल बॉन्ड जहां होगा वहां जाकर एड हो जाएंगे आइटम्स ये सोनो तो इसी तरह ऑक्सीडेशन का पैटर्न क्या है बहुत आसान है बेटा ऑक्सीडेशन में बस जो कार्बन ओ OH से अटैच्ड है ना जो कार्बन किससे अटैच है ओ OH से उस पर तवज्जो रखनी है बेटा आप क्या करते हो जब एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो जो ओ OH वाला कार्बन होता है डायरेक्टली वो चेंज हो जाता है सीओओ एच में एंड सी ओ एच इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप सी ओ एच ओ एच क्या होता था एल्कोल जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओ OH एच आ जाता है वी कॉल इट एल्कोहल अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आ जाए सी ओ एच आ जाए इसको सीओ टू एच भी लिख सकते हैं लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड है तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सीओ एच आ जाता है इस ग्रुप को इस क्लास को हम क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो सर ने क्या बताया पहली वर्ड इक्वेशन की अगर एल्कोहल को हम क्या करें ऑक्सीडाइज तो क्या बन जाते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड याद करो अगर मुझे बता दो दिल खुश हो जाए एल्कोहल को डिहाइड्रेट करें तो क्या बनता है

OH, बल्कि चलो ऐसा कर लेते हैं तुम्हारे लिए और मुश्किल कर देते हैं क्या करते हैं ऑक्सीडेशन मैंने डिहाइड्रेशन में भी दो एच वाली एग्जाम्पल करके दिखाई थी यहां भी करके दिखा देता हूँ कि आप के टू सीआर टू ओ सेवन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इससे रिएक्शन कराते हैं ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा और हमने क्या बताया बेटा के किस पर फोकस करना है सो मामा सिर्फ जो ओ वाला कार्बन है और बाकी स्ट्रक्चर को नहीं देखना वो आएगा जो ओ वाला कार्बन है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा सी ओ ओ एच में यानी अगर आप फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं प्रोडक्ट का तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसकी जगह क्या लिखेंगे सी ओ ओ एच फिर ये वो असल में ताकि देखने में सही लगे सी एच टू फिर सी एच टू फिर सी एच टू और फिर ये सी ओ ओ एच ये मैंने इसको उल्टा इसलिए लिखा है ताकि पता चले कि सी ओ एच उस तरफ है वरना ऐसा लगता है कि ये कार्बन एच अगर मैं इसको यूं लिखता सी सी ओ ओ एच 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 और फिर -2, तो देखने में लगता है कि ये कार्बन से बाउंड हुआ है जबकि ऐसा है नहीं कार्बन कार्बन से बॉन्डिंग है इसलिए इसको ऐसे रिवर्स में लिखा जी आप भी रिवर्स में लिखेंगे ठीक है तो बेटा लॉजिक स्टेज सेम मास लॉजिक क्या थी राजा लॉजिक क्या थी आपकी वर्ड इंफॉर्मेशन क्या थी कि अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं वो किसम कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक वॉट इज कार्बोक्सरिक्स बोलना पड़ेगा आपसे पूछना तो नहीं हुआ क्या होता है कार्बोक्स को ऑक्सीडाइज करते हैं डायरेक्टली चेंज दैट शिफ्ट इन टू कार्बन जो सी कार्बन OH से अटैच है वो उसे आ, बल, देखो अगर तुम्हें समझ गए ना तो ये देखो गेम देखो मैं जो तुम्हें कॉन्फिडेंस बार बार देना चाहता हूं एग्जाम वैसे तो कभी आएगा नहीं मर के भी नहीं आएगा अगर आ गया तो आधे ओ लेवल वाले तो हार्ट अटैक से वहीं मर जाएंगे अगर तुम्हें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए ओय ओ सर ये क्या हो गया सर उ क्या हो गया सर, उए, उए, है जी ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाए भाई आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर आपने वाकई सीखा था ना तो कंफ्यूजन नहीं है इसमें ओएच दिख रहे हैं आपको का मतलब क्या हुआ एल्कोहल है और अगर मैं कहूं बेटे अगर बात समझ में आ जाए तो बताना मुझे ये सारे ओएच है इसका मतलब एल्कोहल है, है और अगर मैं एरो पे लिख दूं के टू सी आर टू से मतलब इसको ऑक्सीडाइज करने की बात हो रही है क्या सीखा है हमने कि जब एल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं तो जिस कार्बन पर कौन से कार्बन पे लगा हुआ ये वाले कार्बन पर रखो बेटा नहीं बेटा

कि जो कार्बन ओ एच सटाइज है किसमें कन्वर्ट कर देंगे में. तो शुड टर्न लाइक दिस सी ओ एच फिर सी ओ ओ एच फिर बाकी इज ये रिंग विंग सब कुछ इज आ जाएगा जैसे बना हुआ है एंड यहां पर फिर से आ जाएगा सी ओ ओ एच तो समझने की बात क्या है कि ये वाला पॉइंट सी ओ एच में कन्वर्ट हो गया

केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेपरेशन और केमिकल प्रेपरेशन कितनी दो पहला एल्किन जो हमने हाइड्रेशन पढ़ी थी दूसरा फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन के थ्रू के एल्कोल बनाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज भी कितनी दो कौन सी दो केमिकल प्रॉपर्टी कंबशन एंड ऑक्सीडेशन कंबशन में कंप्लीट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनकम्प्लीट होगा तो कार्बन मोनॉक्साइड और कार्बन अलोंग विद वाटर

पोटेशियम डाइक्रोमेट अभी आएगा रिडॉक्स रिएक्शन में अलग से बेटा क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ये बात समझ में आ जाती है ऑनलाइन yes, वालों yes, जी yes, आर मायरा yes, रुमैसा सफी yes, शाइना शाइना वर यू देयर इन द लास्ट जी सर यस सर मुझे याद नहीं आ रहा तुमने ये पढ़ा था एल्कोहल फर्मेंटेशन और वो सारी कुछ पढ़ के गए थे लास्ट क्लास में जी से. अच्छा अच्छा शाइना ऐसा है कि मुझे क्लास के बाद तुमने अलग से रब्ता करना है फॉरन से ठीक है अभी पांच मिनट सात मिनट का ब्रेक आता है ना केमिस्ट्री बायोलॉजी के दरमियान तो आई नीड टू टॉक टू यू अलग से ताकि थोड़ा सा तुम्हारा जो है ना प्लान डिस्कस करें तुम्हारे साथ क्योंकि तुमने बिल्कुल ही मिड में ज्वाइन किया है और इलेवन ग्रेडर हो तुमने टेस्ट एग्जाम देना है तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा तुम्हें गाइड करेंगे ताकि तुम्हारे लिए हेल्प हो जाए ठीक है तो अब बारह दैट्स ऑल फ्रॉम द केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल

केमिस्ट्री ऑफ अभी एसिड कर रहे हैं अभी बताएंगे सारी एग्जाम्पल देंगे क्यों देंगे अल्कोहल से तुम बाहर ही नहीं आ पा रहे ना एग्जांपल देते हैं बिल्कुल तो बेटा सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है क्या डेफिनेशन हो जाएगी तो डेफिनेशन अंदाजा हो गया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन व्हाट अरे बोलो भाई विच कंटेन सी ओ ओ एच ग्रुप सी ओ ओ रोमैसा बात समझ में आ रही है बेटा सी ओ ओ एच ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा है क्योंकि इसमें ना कुछ बातें बड़ी कंफ्यूज करती हैं मुझको पहली चीज तो हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जारिश जिनमें ओ OH एच आता था वो एल्कोहल कहलाते थे और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सी ओ ओओ एच आता है वो क्या कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं अच्छा अब इसमें सीओ एच को ना थोड़ा सा समझना है जरा मैं खोल के बताऊं ये जो हम सी ओ एच लिख रहे हैं ना बॉन्डिंग इसकी बॉन्डिंग कैसी है जरा ये भी समझ लीजिए इस सी ओ एच में कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है और हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन नॉट कार्बन और कार्बन की ये वाला डंडा खाली है जहां से वो अटैच होगा जरा समझिएगा खुला हुआ स्ट्रक्चर डिस्प्लेड फॉर्म भी समझना है जो C -O -O -H हम लिख रहे हैं ये हमें किस तरह इसकी बॉन्डिंग कैसी है कार्बन दोनों ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है कार्बन के साथ लेकिन एक डबल बॉन्ड के थ्रू है और एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू है ठीक है जी और हाइड्रोजन कार्बन पर अटैच नहीं है किस पर अटैच है ऑक्सीजन पर उधर देखो ना उधर नजर आ रही बात हाइड्रोजन किससे अटैच है ऑक्सीजन से अटैच है जबकि दोनों ऑक्सीजन किससे अटैच है कार्बन से और एक डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है और एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है तो ये इसकी बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर है राजा बात समझ में आती है अब मेरे बच्चों अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नेमड एज अल्केनोइक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम कैसे देते हैं हम अल्केनोइक एसिड्स, एसिड माज अल्केनोइक, वहां क्या था अलकेनोल अल्केन, अल्किन देखो अल्केन, अल्कीन अलकेनोल और अब आ गए अल्केनोइक, चौथी क्लास पढ़ रहे हो ना अलकेन पढ़ा था

प्रोपेन एसिड अरे बोलो भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ मित्र तो प्रॉप तो पढ़ चुके ना ऑनलाइन वालों तो एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या बैठेगा बोलिए वन कार्बन जारा रोमैसा मायरा क्या नाम होगा बेटा मीथे नोएक एसिड दो कार्बन होंगे तो क्या नाम होगा इथेनोएक एसिड इथेनोएक शायना अगर तीन कार्बन होंगे तो क्या नाम होगा तीन कार्बन को हम प्रॉप कहते हैं तो क्या नाम बनेगा एसिड, चार कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट तो नाम क्या बनेगा ब्यूटे नोएक पांच कार्बन के लिए वर्ड आता है पेंट तो बेटा क्या नाम बनेगा जैन पेंटे नोएक एसिड ठीक है जी अलकेनोएक्रोप वाली गिनती है जो कार्बन की गिनती है तो जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन आ रहा होगा उसे हम मिथेनोक एसिड कहेंगे दो वाले को एथेनोइक प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइ Pentanoic, इसी तरह सोन इज दैट क्लियर तो कार्बोक्लिक एसिड के नाम के आखिर में ओल नहीं आता क्या आता है आखिर में आता है ओल किसके आखिर में आता हैल्कोहल ओल किसके आखिर में आएगा भाई एल्कोहल ओ एक एसिड किसके आखिर में आएगा ओ एक एसिड किसके आखिर में आएगा कार्बोक्लिक एसिड के आखिर क्लियर हाँ भाई गारिश बात समझ में आ गई अब मेरे बच्चे जो पहली जरूरी थी ना कार्बोक्सैलिक एसिड में वो अब शुरू होगी गई कार्बोक्सैलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है शाइना आपको क्लियर है यहां तक बेटा बात जी सर कार्बोक्सैलिक का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये थोड़ा समझने का जनरल फॉर्मूला इज सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच सी एन एच टू एन प्लस वन जो एल्कोहल में भी तो यही था ना सी एन एच टू एन प्लस वन के बाद क्या आता था ओ एच आता था ये क्या है सी एन एच टू एन प्लस वन सीओ एच लेकिन अल्कोहल और इसमें थोड़ा फर्क आ जाएगा वो क्या मैं आपसे कहूं लिसन केयरफुली बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे कहूं नेमिंग तो एक एसिड करके हो गई मैं आपसे कहूं भाई पांच कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए कितने कार्बन का पांच कार्बन का क्या बनाइए कार्बोक्सिलिक एसिड तो पहले मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से बना के दिखाता हूं जब आप पांच कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे सी फाइव एच टू एन क्या मतलब क्या हुआ डबल करें डबल करके प्लस वन कर दें तो डबल करके क्या कर दें प्लस वन तो डबल करके प्लस वन कितना होगा इलेवन सी फाइव एच इलेवन और फिर आखिर में क्या लगेगा COH, मैंने आपसे कहा पांच कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए तो आप C5 से शुरू करोगे और सी फाइव एच इलेवन सीओ हो जाएगा गड़बड़ क्या हुई समझ में आई गड़बड़ ये हो गई वेरी गुड असल यही समझाने के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा बेटा जब आप नॉर्मली अल्कोहल अल्केन, अल्कीन एल्किन की बात करते हैं तो जितने कार्बन होते हैं आप थक करके लगा देते हैं लेकिन अब आप गौर से देखेंगे इस स्ट्रक्चर में तो इसमें पांच कार्बन है कि छह हो गए तो आपको नजर आएगा कि आपने जब पांच कार्बन यहां लिखे एक छठा कार्बन ये भी तो है तो असल में इस कार्बोक्सिलिक एसिड में टोटल पांच कार्बन नहीं आए कितने आ गए छह कार्बन आ गए तो ये स्ट्रक्चर गलत होगा सही होगा गलत हो जाएगा अगर आपको एग्जामिनर ने कहा था कि पेंटेनोइक एसिड बनाइए यानी कि पांच कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए तो आपने असल में क्या किया है छह कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया है तो अगर पांच का सही स्ट्रक्चर बनाना होता तो, तो कैसा बनता तो आपको पता है कि एक कार्बन सीओ एच में आता है तो एक कार्बन वो और इसके बाद बाकी रिमेनिंग कितने रह गए चार तो सी फोर एच नाइन सी ओ एच दिस शुड बी दी राइट फॉर्मूला फॉर पेंटे देखो ये गड़बड़ क्यों होती है बच्चों से क्योंकि बच्चों को नॉर्मली में क्या होता है दो कार्बन तो सी का फॉर्मूला होता है दस कार्बन तो सी का कामूला होता है या अल्कोहल में भी क्या था तीन कार्बन है तो सी थ्री करके फॉर्मुला होता है लेकिन यहां अब्दुल्ला बात समझ में आ रही है डिफरेंस क्या यहाँ सी ओ एच में ऑलरेडी एक कार्बन है तो जब आपको वो कहेगा कि सेवन कार्बन चलो ट्राई करते हैं सेवन कार्बन का तवज्जो सेवन कार्बन का कार्बोक्सिलिक ऑक्सा तो भाई सेवन कार्बन का मतलब क्या हुआ सोमामा कि एक कार्बन तो फिर से बात करेंगे किसमें आ गया ओ एच में तो हाउ मेनी मोर कार्बन वी नीड सिक्स तो यहां पर क्या हो जाएगा सी सिक्स एच थर्टीन सी ओ एच दिस वुड बी दी राइट फॉर्मूला फॉर हैग्जेनोक सॉरी नॉट हेप्टेनोक एसिड क्योंकि टोटल सेवन कार्बन अब हुए हैं और अगर आपने क्या किया गलती क्या की हेप्टेनोइक एसिड में कि आपने लिखा सी सेवन एच फिफ्टीन सीओ एच रोमैसा तो क्या ये होगा? नहीं, सर, हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑक्टेनो है और आठवा ये तो ये समझना क्या है कॉन्शियसली गड़बड़ क्या होती है कि जब आप मिथ एथ की आदि होती है आपको गिनती आपको याद हो जाती है तो आप C7 देख के आपको आ जाता है लेकिन वो जो आठवां कार्बन है सीओ एच का वो आपको नजर नहीं आता तो बेसिकली ये अगर आप बनाएंगे तो दिस वुड बी दूला फॉर ऑक्टेनोक एसिड क्योंकि ये आठ कार्बन टोटल बन गए तो आठ को हम ऑक्ट कहते हैं तो ये ये फॉर्मूला ऑक्टेनोक एसिड का फॉर्मूला होगा क्या ख्याल है ना उसी का होगा ना जब एन इसकी वैल्यू है तो उसी का डबल होगा ठीक है शायना आप ट्राई कीजिएगा अगर मैं आपसे कहूं नाइन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला बताइए क्या फॉर्मूला होगा कार्बन का नाइन कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बताइए शाबश्स अरे काउंट करके बताना है ना पहला देखो क्या है सबसे पहले लिखोगे सी ओ एच जब सी ओ एच लिख लिया तो एक कार्बन तो यहीं पर आ गया अब बाकी कार्बन कैसे लगाने इस फॉर्मुले की तुमने जनरल फॉर्मुले की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझी समझ देखो जनरल फॉर्मुला क्या बताता है हमें कि कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन उसका डबल प्लस वन होगा जो हम यहां अप्लाई कर रहे हैं आपको पूछना पड़ेगा ना अगर समझ में नहीं आएगा तो अगर हमारे पास टोटल हमें नाइन कार्बन चाहिए तो यहां पर हमने एक कार्बन लगा दिया हाउ मेनी कार्बन वी नीड मोर एट एट so, यहां आ जाएगा सी एट आठ कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने बैठेंगे one. कितने होता है? Mm -hmm. one करेंगे तो सेवन सी एट एच से चलो जैन से पूछ लेते हैं अगर दस कार्बन का एसिड का चाहिए हो तो क्या फॉर्मूला होगा तो पहले सीओ एच लिखा आपने एक कार्बन ऑलरेडी हो गया अब दस कार्बन के लिए कितने मोड़ चाहिए आपको नाइन तो क्या फॉर्मूला होगा सी नाइन एच 19, क्या ख्याल है सी नाइन सॉरी नाइन का डबल कितना होता है 18 और प्लस वन कीजिए तो नाइनटीन हो जाएगा चले अब एक बार ट्राई करते हैं ऑनलाइन वालों में से मायरा वागले आप बताइए बेटा अगर मुझे थ्री कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए थ्री कार्बन का फॉर्मूला क्या होगा और थ्री कार्बन यस इट इज़ क्योंकि यू कैन सी हियर के तीन कार्बन ओएच का एक कार्बन है और और अदर देन दो हैं यस yes no? का कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन का तो जैसे ही तुम सीओ एच लिखोगे एक कार्बन ऑलरेडी आ गया yes, तो यहां कितने कार्बन लगेंगे yeah, um, सॉरी H2. H2 नहीं बेटा आप समझे सबसे गड़बड़ कहां होती है एक कार्बन में एक कार्बन वाले के अंदर सबसे ज्यादा एग्जाम्पल क्यों पूछता है क्योंकि बच्चा फ्लुएंसी में यहां पर एक और कार्बन लगा देगा और जैसे ही उसने एक और कार्बन लगाया तो ये क्या बन जाएगा दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है शाइना तो एक कार्बन तो ऑलरेडी हो गया ना हमारा इसका मतलब है दिस वैलेंसी शुड बी कंप्लीटेड नॉट बाय कार्बन रादर बाय hydrogen so the formula for methanoic acid methanoic meth किसे कहते हैं एक कार्बन को the formula for methanoic acid would be hcooh listen again हमने कहा था कि भाई एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है यानी मेथनोइक एसिड लिखें तो मेथनोइक एसिड में सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है क्योंकि यूजुअली आप फ्लो फ्लो में एक coh लिखकर एक और कार्बन लगाते हो और जब एक और कार्बन लगाते हो तो एक्चुअली आप कितने कार्बन कर देते हो दो लेकिन यही चीज हम चुके पीछे देख चुके हैं तो जब आपको एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो यू सिंपली राइट सीओ एच एंड कार्बन चेन वाला पार्ट कार्बन से पूरा नहीं होगा किससे पूरा होगा बेटा हाइड्रोजन से फॉर्मूला दिस इज दमूला शाइना डू आई मेक सेंस जारा नदीम यस सर दिस इज दमूला फॉर मीथे नोएक एसिड मीथे नोक एसिड मेरा बच्चा समझने की बात है इंपॉर्टेंट बात थी चलो एक और ले लेता हूं मैं माज आपसे कहता हूं मुझे बताइए कि सेवेंटी कार्बन चलो सेवेंटी बहुत बड़ा हो जाएगा चलो मुझे बता दो कि फिफ्टीन कार्बन के कार्बन एसिड का फॉर्मूला क्या होगा फिफ्टीन कार्बन के जी सबसे पहले सी ओ एच लिखेंगे कितने कार्बन रह गए फोर्टीन तो क्या आ जाएगा सी फोर्टीन एंड देन एच ट्वेंटी वेरी गुड एच ट्वेंटी नाइन फोर्टीन का डबल ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी अप्लाई करना समझ में आ रहा है फरी आपसे भी करा लेते हैं आप बताइए बेटा कि अगर फाइव कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो क्या फॉर्मूला होगा सी फोर नाइन शाइना क्या ये फॉर्मूला सही बताया फरिया ने सी फोर एच नाइन सी ओ एच फाइव कार्बन का जी बिल्कुल ठीक है गुड हो गया तो मेरे बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिस्ट्री में जाने से पहले हमने इसकी नेमिंग को समझा क्योंकि इसकी नेमिंग पे अलग से सवाल आते हैं गड़बड़ करते हैं बच्चे देखो दो तरह से सवाल आते हैं नेम से फॉर्मूला बताना होता है फॉर्मूले से नाम बताना होता है तो जरा इसकी फॉर्मल प्रैक्टिस कर ले थोड़ी सी दो दो तीन सवाल की नेम टू फार्मूला फॉर्मूला टू नेम ठीक है ताकि बिल्कुल सॉलिड हो जाए क्योंकि एमसीक्यू मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक के सेक्शन से पेपर में आउट ऑफ फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी मिनिमम आठ सवाल आएंगे और कुछ पेपर में बारह सवाल भी आएंगे ठीक है तो ऑर्गेनिक अच्छी किए बगैर आप ए स्टार नहीं ला सकते तो अब समझिएगा बेटा आपके पास यहां पर मैं पहले नेम से फॉर्मूला सिखाता हूं तो मैं नेम लिखूंगा आप फॉर्मूला बनाएंगे ठीक है पहला नेम आ गया जी एक साथ बता सकते हैं फॉर्मूला जिस जिसको आ रहा है जोर से बोले प्रोपेनो एक एसिड क्या फॉर्मूला होगा आपने सबसे पहले देखा क्या कि इसमें है इसका मतलब तीन कार्बन है तो बेटा क्या फॉर्मूला होगा बोलिए अच्छा अगला फॉर्मूला बेटा ऑनलाइन में से जवाब बिल्कुल नहीं आ रहा अगला फॉर्मूला है पेंटेनोल पेंटेनोल क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या है एल्कोहल है क्या फॉर्मुला होगा इसका

नेक्स्ट एग्जांपल पे मैं आपसे कहता हूं ब्यूटेनोइक एसिड शाइना ट्राई करो ब्यूटेनोइक एसिड क्या है एल्कोहल है कार्बोक्सिलिक एसिड है एसिड है ना फॉर्मूला ट्राई करो सर सी सी वन सी वन पहले सी लिख लो अब उसके बाद कितने कार्बन चाहिए ब्यूट का मतलब चार होता है बेटा सी थ्री सी थ्री एच बेहतर क्या होता है पहले एक बार सीएच लिख लिख तो लिखने के बाद वेरी वेरी गुड गुड बेटा अब देखो एक बार फोकस किया तो करने आ गया ना? नहीं बल्कि बताओ मायड़ा वागले मायड़ा ओ मायड़ा जी तुम आई क्यों नहीं हो ये बताओ मुझे छोड़ो माड़ा यार मुझे बता देती मैं तुम्हें उठा लेता नोन एनो एक एसिड का फार्मूला बताओ नोन एनो एक नोन का मतलब क्या होता है नाइन का नोन एनो एक एसिड का फार्मूला बताओ C8H17COH C8H17COH उमर ये सही फार्मूला बता रही है गलत है ये उमर ये फार्मूला सही है या गलत है उमर, उमर सो चुके हैं फातिया हो सकता है मर भी गए जी राजा सही है फॉर्मूला गलत है सही है चले जी। तो बेटा नेम से फॉर्मूला आ रहा है अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा आप नाम निकालेंगे मैं फॉर्मूला लिखूंगा आप नाम बताएंगे ठीक है जी चाहिए देखते हैं तो पहला फॉर्मूला आ गया सी थ्री एच सेवन ओ एच जी आप बताएं जैन क्या नाम है इसका एल्कोहल है एक आबक जलिक एसिड है एल्कोहल है और एल्कोहल के नाम कैसे देते हैं एल्केनोल तो क्या नाम है इसका तीन को प्रोप कहते हैं जी प्रोपेनोल दिस इज प्रोपेनोल चलो तुम बताओ अब्दुल्ला अशफाक तुमने बताया मैंने अशफाक मेरे का नाम है हा ठीक है जी चले ये बताइएगा अब्दुल्ला अशफाक भाई अब्दुल्ला अशफाक भाई सी सेवन एच फिफ्टीन सी ओ एच नाम बताइए अलके एसिड नाम बताइए है चोमू कितने कार्बन है इसमें हाँ वेरी क्या नाम होगा क्या घरेडा तो नहीं हो गया C7H15 है ना सेवन का मतलब सात हो गया और एक कार्बन का तो C8 हो गए आठ को क्या कहते हैं ऑक्ट क्या कहते हैं भाई ऑक्ट अच्छा चलो ऑनलाइन में से खुरीदते हैं थोड़ा शामीर माइक पर आना जरा शामीर जी सर चलो बेटा शामिर बेटा ये बताना बेटा इसका फॉर्मूला बताना बेटा सॉरी नाम बताना C9H19OH पहले बताओ ये अल्कोहल है कार्बोक्सिलिक एसिड है सर अल्कोहल है अल्कोहल है नाम बताओ सर वो नहीं पता अल्कोहल आर नेम्ड एज अल्केनोल बार बार रिपीट करा रहा हूं अल्केनोल अल्केनोल क्या नाम बनेगा यहां सब बोल रहे हैं तुम्हारे मुंह से जवाब नहीं निकल रहा नोने नोल बेटा तो मैं तो कंपाउंड लिख रहा हूं ना है इसका मतलब एल्कोहल है तो एल्कोहल के हिसाब से नाम देंगे नोने नोल वो तो से नहीं बन जाता मुझे अल्कोहल था मैं क्यों डालूंगा सी जी बातें कर रहा है नोने नोल क्या हो गया ये नोने नोल क्योंकि एल्केनोल के तौर पे जारा अब तुम बताओ बेटा इसका क्या नाम है सी नाइन सॉरी सी एट एच सेवेंटीन सीओ एच वी नेम ऑफ दिस कंपाउंड एसेड क्या 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 नोने नोए नो नो नोने नोएक एसेड कैसे पता चला नो यहाँ तो यहाँ तो हमें आठ कार्बन दिख रहे हैं फिर नोने नो एक कैसे हो गया क्योंकि अलहमदुल्ला हमें नवा कार्बन भी दिख रहा है ठीक है सी एट एच सेवनटीन सीओ एच में टोटल कितने कार्बन हैं नौ और इसीलिए एसिड बेटा फिर वही है मिथ की गिनती अगर आपको नहीं आ रही है अभी भी तीन चार में कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसा कीजिए कि मेरी गाड़ी जब मैं रिवर्स करूंगा ना निकालने के लिए मेरी गाड़ी के नीचे लेट जाना चढ़ा दूंगा क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है तो मर जाओ तो बेहतर है जिंदगी दुनिया से एक बोझ कम हो सही है ना या तो मैं मली नदी के रास्ते जाऊंगा तो रास्ते में जो है ना वो कराची का बड़ा सेंटर आता है जहाँ जो है ना सारा वेस्ट डम करके जलाते हैं तो तुम्हें मैं वहां उतार दूंगा वहां कल तुम्हें सुबह सुबह जला दिया जाएगा ठीक है ना इनशाला तुम्हें तो जलाकर भी टॉक्सिक टॉक्सिक गैसेज ही इन्वायरमेंट में जाएंगी जारिश तुम्हें तो जलाना भी खतरनाक है मैं तो कह रहा हूं तुम्हें जला नहीं सकते तुम्हारी बोटियां बोटी तुम्हारी छोटी छोटी बोटियां करनी पड़ेंगी तुम्हें जो है ना वो जो होता है ग्रेटर होता है ग्रेटर जिंदा तुम्हें उसमें ग्रेट हाँ जैसे चीज ग्रेट करते हैं जिंदा तुम्हें पकड़ के उसमें ग्रेट कर दे नहीं नहीं फ्लेवर ही नहीं आएगा दुबली पत्ती से तो, तो मीट तो होगा नहीं सब हड्डियां हड्डियाँ हड्डियाँगी समंदर कड़वा हो जाएगा और ज्यादा है छोड़ो तुम्हें पता नहीं जारिश की मनहूसियत का लेवल ही अलग है तुम्हें पता ही नहीं है स्पेस गंदा हो जाएगा नहीं नहीं यू हैव है की दाएग दाएग दाएग। वो तुम्हारा घर है बस अब ये वाजिबुल कत्ल हो गई है अब अब किसी मौलवी से बतवा लाओ और इसको गैरत के नाम पे कत्ल कर दो है अब ये वाजिबुल कत्ल हो चुकी है इसको किसी मौलवी से लेकर आओ फतवा वो लिख के देगा इसको मारना सवाब है चलो भाई तो थे 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 थे। वैसे एक शॉर्टकट तरीका भी है ठीक है तुम खुद एक हथियार हो मैं कह रहा हूं, किसी ने गुस्से में गुस्से में जाके इसको दीवार में चुन दो इसको कोने में खड़ा करके भागते हुए जाओ ध्रुम लेकिन इंस्पायर की बिल्डिंग से बाहर क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पूरा ये सबसे दर्दनाक मौत लग रही है मुझे फिर तो मेरे ख्याल जो स्टिकर होता है ना हाथ अच्छा में वाला। ओ सर अच्छा जी मैं पहचान ही अच्छा बचो एक मिनट अच्छा बच्चों कंटिन्यू कर रहे हैं चलो तो बेटा नेम स्ट्रक्चर सब समझ में आ गई बात नेम और स्ट्रक्चर समझ में आ गए स्ट्रक्चर से नेम नेम से स्ट्रक्चर जी जारा शाइना उमर रेहान जी सर मुनीब मायरा चले बेटा आगे चलते हैं बच्चों अब हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ना था और इस इंट्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि हमें स्ट्रक्चर और नेमिंग में थोड़ी सी बात करनी थी क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है बाजफा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात हमने

पढ़ा था किससे बनाते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑफ ऑर्गेनिक की खूबसूरती ही यही है कि अगर कनेक्ट होती रहे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप नए रिएक्शन नहीं पढ़ रहे बल्कि वही रिएक्शन अलग अलग जगह पे आ रहे हैं अलग अलग रेफरेंसेज से आ रहे हैं आपको तो एक ही बार ध्यान में रखना है अभी हमने पढ़ा था ना एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में अब देखो कनेक्ट कैसे हो रहा है एल्कीन में वाटर डालते थे एल्कोहल बन जाता था

ऑक्सीडाइज करते हैं खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा या कोई एजेंट चाहिए होगा तो रिमेंबर हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए था व्हाट वॉज दैट पोटासियम डाइक्रोमेट के टू सी टू ओ सेवन तो हमने जाना था कि अल्कोहल विल टर्न इनटू व्हाट वॉट कार्बोक्सिलिक

कि जो कार्बन OH से हुआ हुआ वुड बी दमूला ऑफ द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ये सी एच थ्री एज इट इज आ जाएगा हाउ एवर दिस होल थिंग इज टर्न इन टू सीओ एच यही चीज हमने देखी थी कि जो कार्बन अल्कोहल वाला है वो कार्बन डायरेक्टली आप पूरे उस ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर दोगे सी ओ ओ एच में एंड दिस रिएक्शन इज गोइंग टू अकर इन प्रेजेंस ऑफ के टू सी आर टू सेवन क्या नाम है इसका रोमैसा बात क्लियर है बेटा उमर रेहान यस सर yes, जी ओ सेवन इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन दे रहा है जी बोले ओपन एयर में हो सकती है लेकिन उसके लिए रिएजेंट भी रिएक्टिव होना चाहिए जी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल अगेन हम दोबारा पढ़ रहे हैं। फा, 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 ये बात समझ में आती है आपको ऑक्सीडेशन ऑफ आप एल्कोहल विल गिव अस प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्या पढ़ा कि एल्कोहल कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कौन सा एजेंट चाहिए के टू सी आर टू ओ सेवन वालों आगे बढ़ रहा हूं मैं बात समझ में आ गई प्रिपरेशन से रिलेटेड सर नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल जल्दी नहीं खत्म हो रहा है नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज

और अभी इसकी इंशाला ये एस्टर खत्म करने के बाद प्रैक्टिस भी करेंगे पास पेपर से सॉरी क्या भाई ऑक्सीडेशन और रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है एल्कोहल लिखा होगा का, जो कार्बन सी एच वाला है बस उसको किस में कन्वर्ट करना है सीओओ एच में दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट प्रोडक्ट ठीक है अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड की तो वैसे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है पांच कितनी है लेकिन हम पढ़ेंगे दो क्यों अभी आपको रीजन बता देते हैं क्यों मैं आपको बताऊंगा तो पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है वही किसी गिहाई कौन सी कंबशन दूसरी प्रॉपर्टीज की है रिएक्शन विद मेटल्स तीसरी प्रॉपर्टीज की है रिएक्शन विद बेस चौथी प्रॉपर्टी की है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स अचानक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हो गई ना और पांचवी प्रॉपर्टी है की जी अब तुम्हें क्यों का जवाब खुद ही मिल गया और एस्ट्रीफिकेशन मेरे बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रॉपर्टीज तो पांच हैं बुक में चैप्टर में लेकिन असल में इन पांच में जो तीन प्रॉपर्टीज है मेटल्स वाली बेस वाली और कार्बोनेट वाली ये कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये तो एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी है तो क्योंकि अभी हमने एसिड बेस नहीं पढ़ा तो यहां रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसको ठीक है तो ये प्रॉपर्टी इवेंशुअली हम पढ़ते हैं एसिड बेस और सॉल्ट में कि भाई एसिड से रिएक्शन बेस से रिएक्शन कैसे होता है मेटल से कैसे होता है कार्बोनेट से कैसे होता है लेकिन पैटर्न को फॉलो करने के लिए क्योंकि हम हर जगह देख रहे हैं कि जहां पर एक केमिकल एक प्रेपरेशन दो केमिकल प्रॉपर्टी दो प्रेपरेशन एक केमिकल प्रॉपर्टी तो फॉर दैट सेक आई हैव इनफॉर्म्ड यू के वी आर गोइंग टू डू दिस इन एसिड बेस्ड थिंग ठीक है वहां पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जाम्पल आस, भी हम लेकर आएंगे उसमें लेकिन राइट नाउ कंसर्न इज नॉट एसिड इन बेस तो दैट इज वाई वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट टू प्रॉपर्टीज राइट है कंबशन जो कि अगेन हमें रटी हुई है कंबस्टन की प्रॉपर्टी और दूसरी जो मेन प्रॉपर्टी है जो इस चैप्टर की बल्कि पूरी ऑर्गेनिक में से सबसे ज्यादा रिएक्शन आता है पेपर में वो यही वाला है एस्ट्रीफिकेशन का सबसे ज्यादा पूरे ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन या जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एस्ट्रीफिकेशन का रिएक्शन ही है जितने रिएक्शन आपने पूछे कभी ना कभी आए हैं लेकिन ये बार बार आया है ये वाला रिएक्शन हम पढ़ेंगे ये बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो पहले बात करते हैं बच्चों कम्बशन की तो अब हमारे लिए क्या बात हो गई कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पांच हैं लेकिन दो हम पढ़ रहे हैं पहली वही है घिपिटी कम्बशन तो कंबेशन को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं क्या है बेटा कंबेशन चाइना जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को और हम कार्बोक्सिलिक एसिड में एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं बेटा इथेनोविक एसिड की इथेनोविक एसिड क्या होता है फॉर्मूला बताइए क्या होगा दो कार्बन वाला दो कार्बन का मतलब क्या हो गया एक कार्बन ये होगा और एक और ये सीओ एच वाला ये क्या ये yes, yes, sir. और बेटा yes, sir. इसका कमर्शियल नेम क्या होता है आप इसे जानते हैं विनेगर के नाम से जो घरों में सिरका आप इस्तेमाल करते हैं दिस इज बेसिकली इथेनोइक एसिड सिरका जो आप इस्तेमाल करते हैं वो है इथेनोइक एसिड विनेगर ठीक हो गया अब मेरे बच्चों कंबशन की अगर हम बात करें तो सेम पैटर्न इज गोइंग टू बी रिपीटेड कि अगर मैं सी एच थ्री सी ओ एच को ले लू और इसे बर्न करूं आप सिर का देख सकते हैं result, और अगर कंबशन इनकम्प्लीट होगी तो क्या होगा बोलो भाई कार्बन रिमेन एज कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वॉटर विल फॉर्म ठीक है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ये एक्सेस में हो रही है और ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हो रही है ठीक है ना ये बात तो बार बार ही रिपीट हो रही है कोई मसला अब्दुल्ला असल जो सीखना है ना वो सीखनी हमें वो यूनिक प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा इस चैप्टर में पूछी जाती है विच इज एस्ट्रीफिकेशन ठीक है जी और इस एस्ट्रीफिकेशन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में दाखिल हो रहे हैं यानी कि अल्केन अल्कीन से अल्कोहल से अल्कोहल से कहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड से हम एक नई ग्रुप में जा रहे हैं एस्टर ग्रुप में ठीक है तो शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज इस एस्ट्रीफिकेशन और एस्टेरिफिकेशन इसके लिए भी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड इक्विजन बेटा इसकी वर्ड इक्वेशन इक्वेजन ताकि बात पहले समझ में आ जाए बेटा जब एसिड 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 केयरफुली जब कोई भी रिएक्ट करता है किसी भी अल्कोहल के साथ समामा तवज्जो देनी है बेटा जब भी कोई कार्बोक्सैलिक एसिड किससे रियाक्ट करता है किसी भी अल्कोहल के साथ अरे बोलो ऑनलाइन वालों किससे कौन रिया कर रहा है कार्बोक्लिक एसिड का रिएक्शन किससे हो अल्कोहल के साथ हो बेटा इन दिस यूनिक ग्रुप ऑफ अ न्यू ग्रुप ऑफ कम्पाउंड इज वी कॉल्ड अलोंग विद रिएक्शन अलॉन्ग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कंडीशंस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स और कार्बोक्सैलिक एसिड देखो अभी तुमने पढ़ा था एल्कोहल एल्कोहल से ऑक्सीडेशन से क्या बना था कार्बोक्सैलिक एसिड और अगर ये कार्बोक्सैलिक एसिड और एल्कोहल आपस में क्या कर जाएंगे रिएक्ट कर जाए इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो हम कौन सा रिएक्शन होगा का रिएक्शन होगा जहां पर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे एक नया ग्रुप वी कॉल्ड एस्टर और उसके साथ क्या बनेगा वॉटर अब अगर तुम पीछे से रिकॉल करते आ रहे हो तो याद रखो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहीं और भी आया था कंडीशन में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहां आया था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में जहां एल्कीन बनती थी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में जहां पर क्या बनती थी एल्किन इसका मतलब यह हुआ कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं कहूं कि एल्कोहल अकेला है और एल्कोहल के सामने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो फिर ये में नहीं जाएगा किसमें चला जाएगा डिहाइड्रेशन में और अगर उसी एल्कोहल के साथ क्या आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट हो और कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो तो अब कौन सा रिएक्शन होगा इस्ट्रीफिकेशन का रिएक्शन होगा लेट मी रिपीट माइ अगेन Acid की एक और भी आई है। अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो एल्किड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जहां मैंने बताया था कि वॉटर को यह एब्जॉर्ब करता जी कार्बोक्साइर एसिड और एल्कीन का रिएक्शन नहीं होता ठीक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जब हम रिएक्ट कराते हैं बेटा इससे एक नया ग्रुप बनता है जिसको हम एस्टर का नाम देते हैं अलोंग विद दैट वाटर फॉर्म तो आप सिंपली कहेंगे क्या आएगी द रिएक्शन इन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टू फॉर्म और टू प्रोड्यूस एस्टर्स आर कॉल्ड सॉरी इज कॉल्ड

दिमाग को समझाना पड़ेगा बेटा पैटर्न क्या है एल्कोहल का ओ एच सॉरी एल्कोहल का ओ एच और कार्बोक्सिलिक एसिड का एच वॉटर बनाना है ना एल्कोहल में से कौन सा ग्रुप ओ एच और कार्बोक्सिलिक एसिड में से एच क्या मिल, क्या बना लेगा मिलकर अरे बोलो भाई क्या बना लेगा वॉटर जब एच यहां से हट गया तो ये जगह खाली हो गई है जी और यहां पर ये वेला हो गया तो ये क्या करेगा यहां आकर अटैच हो जाएगा समझो जब यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड से एच हट गया अरे एच हटाना नहीं हटा गुंगे हो क्या बोलो ना एच हट गया सी रह गया सी रह गया और वहां से उसका OH चला गया वाटर बनाने के लिए तो वो जो कार्बन चेन है अल्कोहल वाली जो कार्बन चेन है वो एज इज आके कहा अटैच हो जाएगी इस ओ के साथ यानी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा जारा सी एच थ्री सी ओ एज इट इज और यहां आके अटैच हो जाएगा वॉट सी टू एच फाइव क्या अटैच हो जाएगा एक और एग्जांपल देखें बेटा समझना है क्या नाम है तुम्हारी बच्ची बच्चा शाइना जरा बताना बेटा C2H5COOH कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये तीन कार्बन का नाम क्या है इसका प्रोपेनोइक एसिड अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूं CH3OH से क्या ये CH3OH अल्कोहल है यस शाइना क्या पैटर्न बताया बेटा कि ये OH और ये H क्या बना लेगा बोलो जो, बोलते जाओ बेटा वाटर जी शायना, कुछ कंफ्यूजन हो रही है क्या ये एच oh. और वाटर बनाएंगे क्लियर oh. oh. so जी सर CH3 नहीं सीओ एच CH3 नहीं बेटा कहां से हो जाएगा बेटा C2 H5 C2 H5 COO CO ये H तो हट गया ना वाटर बनाने के लिए दिस so CH3 इज गोइंग टू टेक्स इट्स प्लेस द प्रोडक्ट फॉमुला वुड बी सी टू एच फाइव सी ओ एंड देन सी एच थ्री यू गेट मी जी यस सर अजान के बाद बात कर मैं करता हूँ ओके, 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 अच्छा आ, भाई भाई ऑनलाइन वालों अब दोबारा से इसकी एग्जाम्पल ट्राई करते हैं तो बेटा सी टू एच फाइव सी ओ एच आपने कैसे देखा रिएक्शन कैसे हो रहा है बात समझ में उसी पैटर्न को दोबारा फॉलो करें क्या हो गया लेट्स से एक और एग्जाम्पल लेते हैं सी फोर एच नाइन सी ओ एच जी बेटा केमिस्ट्री चल रही है और ये आ गया सी एट एच सेवेंटीन ओ एच भाई कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल आ गया पैटर्न क्या है शारिक कार्बोक्सिलिक एसिड में से एच हट जाएगा और अल्कोहल का क्या हटेगा ओएच OH हटेगा दोनों मिलकर क्या बनाएंगे सारा वाटर बना लेंगे जब वाटर बन जाएगा तो दिस कार्बन चेन इज गोइंग टू टेक्स दिस प्लेस और प्रोडक्ट का फार्मूला बताइए शाइना क्या बनेगा C4H9 विल कम एज इट इज ये CO फरिया एज इट इज आ जाएगा एंड दिस CH8 C8H17 विल बी रिटन लाइक दिस तो दिस वुड बी द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड जी बेटा वो मैं करके दिखा दूंगा कोई मसला नहीं अभी बात समझनी क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एस्ट्रीफिकेशन कैसे फॉर्म करना है एक और एग्जाम्पल देखो मैं कहता हूं भाई सी नाइन एच नाइनटीन सी ओ ओ एच और मैं कहता हूं सी थ्री एच सेवन ओ एच एल्कोहल है क्या पैटर्न है राजा यहां से एच वहां से ओ OH। एच एल्कोहल का ओ OH एच और कार्बोक्सिलिक का एच क्या बना लेंगे हानी वाटर बना लेंगे ऑनलाइन वालों बात और मैं ऐसा समझ में आ रही है मायरा यस सर क्या होगा दिस विल रिमेन एज इट इज C9 H19 दिस COO अगेन एज इट इज और फिर ये आ जाएगा C3 H7 इज दैट क्लियर एक थोड़ा सा डिफरेंट देखो डिफरेंट क्या है अभी समझ जाओगे मैं कहता हूं C5 H11 OH अब मैंने अल्कोहल पहले लिख दिया अल्कोहल पहले लिख दिया और ये लिखा मैंने CH3 सीओ ओ एच लेकिन पैटर्न सेम ही रहेगा क्या पैटर्न है ओ एच OH कहा से जाता है एल्कोहल से और ए, से से क्या जाता है एच तो इस आगे पीछे लिखने से 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 कंफ्यूजन नहीं हो जानी चाहिए यहां से H और यहां और OH. क्या बना लेंगे बच्चों वाटर हमने क्या पढ़ा है कि इस सी ये जो कार्बन चेन होगी ये इस सीओ के साथ आकर क्या हो जाती है अटैच तो मैंने इसलिए ऊपर नीचे करके लिख दिया कि ऐसा ना हो आप दिमाग में वो एक रट्टा लगा के बैठ जाए तो क्या बनेगा प्रोडक्ट सॉरी हाँ बताइए सी एच थ्री सी ओ ओओ एंड देव एच इलेवन सीखना क्या है जो एल्कोहल की कार्बन चेन है एल्कोहल की जो कार्बन वाला पार्ट है वो आकर ओ पर अटैच हो जाता है कार्बोक्सिलिक के सी ओ ओओ एच में से एच हट जाता है वो जगह खाली हो जाती है और उस जगह पर जो एल्कोहल का पूरा कार्बन चेन है वो आकर क्या हो जाती है अटैच एक और एग्जाम्पल देखिए मैं आपसे कहता हूं सी सेवन एच फिफ्टीन ओ एच प्लस सी थ्री एच सेवन सी ओ एच ठीक है एल्कोल कौन है नजर आ रहा है इसका ओ OH एच और इसका एच क्या बना लेगा हानि वॉटर और ये जो कार्बन चेन है ये कहां आके अटैच हो जाएगी एच की जगह तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलिए सी थ्री एच सेवन सी ओ सी सेवन एच फिफ्टीन आ रही बात समझ में तो बेटा पहली ये बिल्कुल पहला बेबी स्टेप है का कि जहां प्रोडक्ट गलत नहीं बनना चाहिए प्रोडक्ट गलत नहीं बनना चाहिए अब इसकी आखिरी और डिफिकल्ट तरीन एग्जांपल जो एटीपी पेपर में पेपर फोर में आ चुकी है वो देता हूं अगेन अगर पैटर्न पता है तो डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए पैटर्न में कंफ्यूजन है तो डिफिकल्ट लग सकता है ये ए में एग्जाम में आई हुई है जो आप बताने जा रहा हूं वो कहता है भाई सी CH2, COOH, CH2, 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 COOH. क्या किया, ने? आपको एक ऐसा दे दिया जिसमें दो बार सी ओ एच आ रहा है और बच्चा यहीं पर फ्लैट हो जाता है बच्चा बोलता है लग गया लसन लेकिन पैटर्न आपको हटना नहीं है और अगला ये एग्जाम में यही सवाल है एग्जाम का ए में जब हम ए करेंगे तो सवाल आएगा वो तो होगा ना भाई वो तो इवेंचुअली होगा जब दो दो कार्बोक् और रिएक्शन हो रहा है OH से से अब जाहिर है दो तो हमें एल्कोहल के भी कितने चाहिए होंगे दो तो यहां मैंने टू लगा दिया पैटर्न क्या है कि बेटा ये OH और H, क्या बनाते हैं वॉटर तो यहां का OH भी हटेगा वहां का एच OH भी हटेगा और इनके ओ OH एच मिलकर क्या बना लेंगे एक वॉटर बनेगा दो वॉटर बनेंगे दो वॉटर और आइडिया क्या था कि जो कार्बन चेन थी वो एच की जगह लेती थी ऐसा सोनो भाई आइडिया क्या था ऑनलाइन वालों शाइना के जो कार्बन चेन होती है एल्कोहल की वो एच की जगह यहां भी आ जाएगी और यहां भी आ जाएगी ये yes no? यही आइडिया था ना कि सी ओ एच का एच हट जाता है और जो एल्कोहल की कार्बन चेन होती है वो एच की जगह आ जाती है तो बेटा एल्कोहल की कार्बन चेन कौन सी है सी टू एच फाइव तो मेरे बच्चा क्या फॉर्मूला बनेगा प्रोडक्ट का, का? देखिए आप पहले लिख ले o, C, ये लेट इज लिखने सब कुछ सी एच टू सी एच टू सी एच टू और कितना एक दो तीन चार सी एच टू एक दो तीन चार सी एच टू और उसके बाद सीओ ये मैंने लिया सिर्फ एच एच हटा दिया अब यहां पर भी सी टू एच फाइव आ जाएगा और यहां पर भी सी टू एच फाइव आ जाएगा लॉजिकली करेक्ट रहने के लिए ताकि कार्बन चेन के साथ कनेक्शन रहे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बेटा ये देखने में कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन क्या पैटर्न वही फॉलो किया गया है देखो बजे हां भाई जारा पैटर्न वही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो o, जो, जो का o है उसके साथ अल्कोहल की कार्बन चेन आके अटैच हुई है यहां पर भी और यहां पर भी जी रोमैसा उमर रेहान मायरा बागले और क्या नाम है जारा शाइना शाइना राजा क्या वही पैटर्न रिपीट हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ओ है उसके साथ आके अल्कोहल की कार्बन चेन अटैच हो गई है और ये हमारी ये हमारा प्रोडक्ट बन गया जी बेटा मायरा yes, कोई मसला परेशानी दिक्कत नहीं yeah. तो नहीं है इसमें बेटा दीज़ आर इनफ़ टू मेक यू अंडरस्टैंड पैटर्न ऑफ ईस्ट्रीफिकेशन तो बेटा आज के सेशन में इस इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ ही है कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिस्ट्री तो एंड पे जा रही है लेकिन हमें एस्टर की नेमिंग भी सीखनी है एस्टर की नेमिंग सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन में आती है तो एक तो आपने अभी एस्टर बनाना सीखा है लेकिन एस्टर की नेमिंग पर सैटरडे को बात करेंगे सैटरडे को दो बातें होंगी एस्टर की नेमिंग पर बात होगी और इसके अलावा होमोलोग और आइसोमर्स ये दो टॉपिक जो शुरू में आते हैं इनके ऊपर बात होगी और हमारी ऑर्गेनिक की जो सीक्वेंशियल डिस्कशन है अदर देन मैक्रोमोलिक्यूल खत्म हो जाएगी तो इसलिए मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप सारे लेक्चर जो ऑर्गेनिक के सेशन में हुए हैं वो प्लीज आप उसको रिकॉल कर लें अगर मिस हुआ है तो मैं लेक्चर सीरीज बार बार कह चुका हूं कि ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऑर्गेनिक ओ लेवल्स के लेक्चर मौजूद हैं और अगर आपको अपने वाले फ्रेश लेक्चर चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा मेक श्योर करें बेटा कि सैटरडे से पहले आप क्यों उसकी वजह यह है कि फिर हम आप

लास्ट डिस्कशन करेंगे वो चैप्टर भी खत्म हो रहा है अल्लाह हाफिज